Hello students, how are you? I am your teacher Rajendra Sharma. Today we will discuss about the poem A Thing of Beauty. This poem has been written by John Keats. Friends, इस poem में जो John Keats है वो कहता है, इस poem के अंदर जो John Keats है वो प्रकृति की जो सुंदरता है उसका यहाँ पर वर्णन करता है। वो कहता है कि जो जीव जो हमारी जो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं वस्तुएं हैं, ये चाहे उनका जो जीवन काल है वो छोटा ही क्यों ना हो, इट गिव ए परमानेंट जॉय फॉर अस, ये हमें एक स्थायी खुशी प्रदान करती हैं। तो ये जो पोइम है जॉन किट्स की, ये एंडोमियन नाम की एक पोइम का एक भाग है, एक्सट्रैक्ट है। ये कविता, ये जो पोइम्स है उस पोइम पोइट ने जॉन किट्स ने तब लिखी है कि जब वह एक शेफर्ड के रूप में कहीं पर भेड़ बकरियों को चराता है और वहाँ पर सिंथिया नाम की एक गोडेस का उसे विजन होता है, वो दिखाई देती है। और वो जो गोडेस है, सिंथिया नाम की जो गोडेस है, वो थोड़े समय के लिए उसे दिखाई देती है, बट इट गिव्स अ परमानेंट जॉय टू हिम, परंतु वो जो गोडेस है, सिंथिया नाम की गोडेस, उसे एक स्थायी खुशी प्रदान करती है। तो उसने अपनी जो वो पोइम है एंडिमियन नाम की पोइम है वो राइट की है, लिखी है, और ये थिंग ऑफ ब्यूटी उसका एक छोटा सा भाग है, पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट द पोइम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, कि जो एक सुंदर जो वस्तु है वो हमें एक सदा के लिए खुशी प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इसकी जो सुंदरता है, लवलीनेस का मीनिंग होता है सुंदरता, खुशी। इसकी जो इट्स लवलीनेस इंक्रीज, उसकी जो सुंदरता है वो बढ़ती है। इट विल नेवर पास इंटू नथिंगनेस, अर्थात इसकी जो सुंदरता है वो कभी भी खत्म नहीं होती। नथिंगनेस यानी कि खत्म न होना, बट विल कीप, परंतु वो क्या होती है, वो हमेशा अपनी खुशी बनाए रखती है, खुशी देती रहती है। ए बोवर क्वाइट, बोवर का मीनिंग होता है एक क्लस्टर ऑफ ट्री, वृक्षों का एक झुंड। तो यहाँ पर बोवर, बोर होता है क्लस्टर, कि वृक्षों का एक जो झुंड है वो इट ए बोवर क्वाइट फॉर अस, कि एक वृक्षों का एक जो झुंड है वो हमेशा क्या करता है, क्वाइट फॉर अस, क्वाइट मीन शांति, वो हमेशा शांति देता है। एंड ए स्लीप, और एक मधुर सी नींद, मीठी मीठी जो नींद है वो हमें प्रदान करता है। फुल ऑफ साउंड एंड ड्रीम, और वो जो नींद है वो किससे भरी हुई होती है, वो मधुर सपनों से भरी हुई हो, और वो हमें हेल्थ और स्वस्थ रखती हैं। एक क्वाइट ब्रीदिंग, और जिसके हम अंदर हम एक क्वाइट ब्रीदिंग, एक चैन की सांस लेते हैं। तो आई होप आपको ये स्टैंजा समझ में आया होगा। लेट्स बिगिन द नेक्स्ट स्टैंजा। Friends, go to next stanza. Therefore, on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth, spice of discordance of the inhuman death, of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made our searching Yes, in spite of all. तो इस स्टैंजे के अंदर जो पोइट है वो क्या कहता है, Therefore on every morrow, morrow means morning, प्रत्येक सुबह, कि पोइट कहता है कि इसलिए on every morrow, प्रत्येक सुबह are we reading. तो यहाँ पर reading का मीनिंग होता है preparing, बनाना, कि हम प्रत्येक सुबह बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ए फ्लावरी बैंड, फूलों का एक हार बनाते हैं।
बैंड का मीनिंग है गार्लैंड, हार। टू बाइंड अस, जो हमें जोड़े रखता है, किसे जो बांधे रखता है, जोड़े रखता है किसे, टू द अर्थ, इस पृथ्वी से जो हमें जोड़े रखता है। स्पाइस ऑफ डिस्पोर्डेंस, स्पाइस ऑफ का मीनिंग होता है के बावजूद। और डिस्पोर्डेंस, डिस्पोर्डेंस का मीनिंग है यहाँ पर डिस्पेयर, कि इस निराशा के बावजूद। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन डर्थ का मीनिंग है यहाँ पर, डर्थ का मीनिंग है स्टोरेज, कमी, कि मानव के अंदर जो उदासी है उसमें। ऑफ नोबल नेचर, और नेक, नोबल नेचर अच्छे कार्य है, और अच्छे कार्यों की कमी है। ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी मीन्स उदासी भरे, और उन उदासी भरे दिनों में। और ऑल द अनहेल्दी, अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, और अनहेल्दी, वो अनहेल्दी का मीनिंग जो अच्छे ना हो, गंदे, गंदे, और ओवर डार्कन वेज, और वो अंधेरे भरे, जो धोखे से भरे हुए, आप अंधेरे भरे या धोखे से भरे हुए जो रास्तों के बावजूद। मेड फॉर सर्चिंग, जो हमें क्या करते हैं, मेड फॉर सर्चिंग, मेड फॉर तलाशते हैं, और ये खुशी भरे जो दिन हैं उन अनहेल्दी और ओवर डार्कन वेज में हमारे लिए तलाश करते हैं, किसकी, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, कि इन उदासी भरे दिनों के बावजूद या धोखे भरे रास्तों के बावजूद हमारे जीवन के अंदर एक खुशी की तलाश करते हैं। गो टू द नेक्स्ट स्टेंजा। सम स्पेस ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क सीक्रेट्स, फ्रॉम आवर डार्क सीक्रेट, सच द सन, द मून, द ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग ए शैडी बूम फॉर सिंपल शिप, फॉर शेप ऑफ ब्यूटी, सम शेप ऑफ ब्यूटी। तो पोइट कहता है इन स्पाइट ऑफ ऑल, कि इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, की सुंदरता का, कि को जो आकार है, मूव्स अवे द पाल, हमारे उन दुख भरे उन रास्तों से, धोखे या उदासी भरे उन दिनों से मूव्स दूर कर देता है। अवे द पाल, पाल का मीनिंग होता है कवर, चादर, उस दुखी, दुख नुमा, उदासी भरी उस चादर को दूर कर देता है, कि कोई सुंदर वस्तु है, कोई भी सुंदर वस्तु उस उदासी, उस भरी उस चादर को हमारे मन में से दूर कर देती है। फ्रॉम आवर डार्कन स्पिरिट, किसे दूर कर देती हैं, हमारी डार्क स्पिरिट से, उदासी भरी उस आत्मा से। सच द सन, जैसे कि द सन सूर्य है, द मून चंद्रमा है, ट्रीज कौन से ट्रीज, यंग एंड ओल्ड, चाहे वो छोटे हो या वो पुराने, या वो नए या पुराने वृक्ष हों, स्प्राउटिंग ए शैडी बूम, या अंकुरित होने वाले वो पौधे, ए शैडी बूम, जो एक वरदान रूपी होते हैं, फॉर सिंपल सिप, उन छोटी छोटी भेड़ों के लिए, एक वरदान के रूप में उन छोटी छोटी भेड़ों को छाया प्रदान करते हैं, और उनके लिए एक वरदान साबित होते हैं। सो गो टू द नेक्स्ट स्टेंजा। फॉर सिंपल सिप, और उन भेड़ों के लिए, उन भोली भाली, उन भेड़ों के लिए, सच आर एंड सच आर द डैफोडिल्स, और वो जो डैफोडिल्स हैं, वो नरगिस के जो फूल हैं, डैफोडिल का मीनिंग होता है नरगिस, विद द ग्रीन वर्ल्ड, उस हरे भरे जंगल के अंदर, दे लिव, जिसके अंदर वो रहती हैं, एंड क्लियर रिल्स, और वहाँ पर क्लियर रिल्स हैं, साफ सुथरी, यहाँ पर रिल्स का मीनिंग होता है स्ट्रीम, झरने, साफ सुथरे यहाँ पर जो पानी की धाराएँ हैं वो बहती हैं, रिल्स हैं, दैट फॉर देम सेल्फ ए कूलिंग कवर्ट मेक, जो क्या कर देते हैं, जो गर्मी में भी, दैट दैट फॉर देम सेल्फ, और जो उनके लिए स्वयं ए कूलिंग कवर्ट मेक जॉइंट द होल सीजन, उस गर्मी को कन्वर्ट कर देती हैं, परिवर्तित कर देती हैं, किसमें, कूलिंग में, ठंडक में, कि
वो कहता है कि जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो गर्मी है और वो छोटी छोटी जो नदियाँ हैं, झीलें हैं, झरने हैं, उस वातावरण को, गर्म वातावरण को एक ठंडे मौसम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। द मिडस्ट फॉरेस्ट ब्रेक, द मिडस्ट और जंगल के बीच में उगे ब्रेक के पौधे, ब्रेक के पौधे वो हमें एक ठंड प्रदान करते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं। तो इसमें पोइट कहता है, रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर्स मस्क रोज ब्लूम, सच टू इज द ग्रैंडोर ऑफ द डूम वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हियर और रीड एन एंडलेस फाउंटेन्स ऑफ इमोर्टल ड्रिंक प्योरिंग अन टू अस फ्रॉम द हेवन्स ब्रिंक। तो इसमें जो पोइट है वो कहता है, सच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फियर्स, कि सच सच मीन्स ऐसे, यानी कि रिच विद ए स्प्रिंकलिंग, रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फियर मस्क रोज ब्लूम। तो इसमें पोइट कहता है कि जो सुंदर मस्क गुलाब के खिलने से मधुर है, कि जो सुंदर मस्क है जो गुलाब के खिलने से मधुर हो जाता है, ब्लूम ब्लूम मीन्स खिलना, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम, ग्रैंडियर का मीनिंग होता है स्प्लेंडर, शान, बड़ी शान से, और इसी प्रकार से महान जो लोग हैं, महान लोगों के जो कारनामों का शानदार अंत होता है, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम, और जो महान जो लोगों के कि जो अच्छे जो काम हैं उनका अंत होता है, वी हैव इमेजेंस फॉर द माइटी डेड, वी हैव इमेजेंस, और जो हमने कल्पना की है, ऑल लवली टेल्स, और जितनी भी सुंदर जो कहानियां हैं, दैट वी हियर जो हमने सुनी हैं और रीड और पढ़ी हैं, एंड एंडलेस फाउंटेन वो किसके, एंड एंडलेस वो किसके समान है, अनंत वो झरनों के समान हैं, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक जो कब, वे सभी सुंदर कहानियाँ जो हमने पढ़ी हो या सुनी हो वो कभी न ख़त्म होने वाली जो इमोर्टल ड्रिंक हैं के समान हैं, जो इमोर्टल ड्रिंक प्योरिंग अन टू अस फ्रॉम द हेवन्स ब्रिंक, प्योरिंग जो हमें प्राप्त होती है किसे, अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंक, स्वर्ग के एक कोने से, छोर से हमें प्राप्त होती है। सो नाउ गो टू द होमवर्क, सो राइट ए पैराग्राफ ऑफ अबाउट 150 वर्ड्स, कन्वर्सेशंस ऑफ ट्री, नेक्स्ट नेचर, बेस्टसेलर, राइट टू कोटेशंस ऑन ब्यूटी, ब्यूटी के ऊपर दो कोटेशन आपने राइट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में है, रीअरेंज द लाइन इन ए प्रॉपर ऑर्डर, पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड कीप क्विट ब्रीदिंग इट्स लवलीनेस इंक्रीज इट विल नेवर ए बोअर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लिप एंड थिंक ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। सो एक्सप्लेन करना है इस लाइन को, द ग्रैंडियर ऑफ डूम, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द मोर्टल ड्रिंक ऑन अस, फाइंड वर्ड्स विच मीन्स मैग्निफिशेंस स्टोरीज दैट एंड नेवर डाई और एज। तो आगे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, सो आप इन क्वेश्चंस को लर्न करेंगे। आई होप आपको ये पोइम समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ओके फ्रेंड्स।